हाँ निकला निकला निकला, आगे आगे आगे। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, फाइनली शाम मिल चुका है और दोस्तों ये एक इंडियन स्पेट। नमस्कार दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल घनश्याम बाबा सब पर मित्र बस्ती में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के रेस्यूकाल दोस्तों मुझे परसा जाफर से मिला है और बस्ती से तकरीबन ये 4 किलोमीटर की दूरी भी पड़ेगा। हड़िया से पूर्व साइड में जाना पड़ता है, गोरखपुर साइड में पड़ता है ये दोस्तों। और फाइनली उस जगह पर हम पहुँच चुके हैं और चलकर फाइनली देखते हैं कौन सा सांप है, किस स्थिति में है। और दोस्तों जिसके घर में निकला है यही घर है, वहाँ चलकर देखते हैं। भैया और दोस्तों उनसे रूबरू करवाते हैं आपको, जिन्होंने हमें याद किया है। भाई साहब पहले अपना नाम बताएं। मोहम्मद रईस। और आपको हमारा नंबर कैसे मिला था? पोस्टर आया था उसी में नंबर था कि सांप पकड़ते हैं। अच्छा ठीक है। और सांप कहाँ हमें दिखे? गांव का नाम क्या है? परसा जाफर, और जिला बस्ती में ही पड़ता है। हाँ। और सांप आप कितने दिन से देख रहे हैं? अरे ये लगभग 200 दिन से देख रहे हैं। अच्छा ठीक है। और प्रेजेंट टाइम पे सांप कहाँ आप देखे हमें बताएंगे? प्रेजेंट टाइम में यहीं देखे हैं। बताइए, चलकर बताइए। चलिए दोस्तों फाइनली चलकर देखते हैं किधर देखे हैं। इधर घुसा हुआ है। कहाँ पे? यहीं घुसा हुआ। दोस्तों इनका कहना है कि यहीं पर वो सांप घुस गया था। अब फाइनली दोस्तों इसको अब हम हटा रहे हैं क्योंकि दोस्तों इसके अंदर यहाँ जगह है बैठने के लिए इसको पूरा। अब इसको हम हटाएंगे। तो हाँ देखो बिल गया है, बस उसी भले है। बिल मिल गया, बिल मिल गया दोस्तों। जैसा कि देख रहे हैं आप जो है एक बिल हमें मिल गया है। हम तोप दिए थे, आप आए नहीं, नहीं सांप इसी में था। अब अंदर अभी होगा। हाँ हाँ यहाँ ठंडा है ना। और सरिया बदे डरी हो? नहीं नहीं सड़िया नहीं डालने की जरूरत है, खोदो पहले उसका मार के निकालो। तो इटवा निकालो ना। हाँ मैंने हो देखो कहा निकली। हाँ अंदर जगह है भैया, अंदर देखो पूरा बहुत बढ़िया जगह है, खोदना पड़ेगा इसको पूरा। खुद उधर से खोदो 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 खोदो। हाँ इधर आ रहा है, आ रहा आ रहा आ रहा। ये देखो मुड़ी निकाल रहा है, मुड़ी निकाल रहा है। ये देखो वाह देखो अंदर जा रहा है। उधर उधर से करो तुम ना, यही खोदो यही खोदो यही खोदो यहीं पर। हाँ खोदो करो 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 खोदो फटाक से जल्दी करो यार, टाइम नहीं, मत लगाओ नहीं इधर उधर निकल जाएगा, फिर पता चलेगा भाग जाएगा। हाँ निकला निकला निकला, आगे आगे आगे। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं फाइनली सांप मिल चुका है और दोस्तों ये एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा सांप है। फाइनली सांप को पकड़ लिया गया है। चलो वैसे चलो वैसे चलो डरो मत डरो मत डरो, एक मिनट रुको रुको रुको, नहीं छूटेगा नहीं छूटेगा। अरे डरो मत आप लोग।
और फाइनली दोस्तों सांप को निकाल लिया गया है, आप देख सकते हैं। रुको 2 मिनट रुको, अरे डरिए मत, आप डरिए मत, आओ देखो। अरे बड़ा है, एक तो और एक बहुत बड़ा है। गेहूँगन गेहूँगन दोस्तों, ये गेहूँगन फटार है, क्या लेके आओ यहाँ? अरे तुम लेके आओ 2 मिनट यार, प्रॉब्लम क्या है? और दोस्तों ये इस सांप को दोस्तों हमारे यहाँ फटार बोलते हैं, घुमन बोलते हैं, नाग बोलते हैं, अलग अलग राज्यों में दोस्तों अलग अलग नाम से जाना जाता है, और इसको नाजा नाजा भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसका नाम है इंडियन स्पेक्टल कोबरा सांप है। और दोस्तों यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, उन भाई साहब का बहुत अच्छा काम है कि उन्होंने मारा नहीं, सांप को बचा लिया। और आप देख सकते हैं काफ़ी मात्रा में सब लोग यहाँ पर देख रहे हैं सांप को, और काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों। और आप लोग को दोस्तों एक बार और दिखा दे, ये रोड है दोस्तों, हाईवे रोड है, ये लखनऊ गोरखपुर का हाईवे है, और जस्ट इसी बगल में इनका घर है, यहीं पर हमने सांप पकड़ा है। इतने गुस्सा में जगह पाक जाए आवाज दोस्तों, सांप को दोस्तों फाइनली पकड़ लिया गया है। और दोस्तों अगर किसी को सांप काटता है तो सीधा आप जिला हॉस्पिटल लेकर जाएं, किसी झाड़ फूक के चक्कर में आप ना पड़ें, समय पर इलाज करवाएं दोस्तों। बस बस हो गया। और दोस्तों ये सांप जो है 3 से 4 फुट का सांप है ये, और ये 3 से 4 फुट का सांप है ये। और दोस्तों ये सांप ज़्यादा नहीं 30 से 35 साल पुराना सांप है ये। और दोस्तों काफ़ी ख़तरनाक ये भी होता है, अगर दोस्तों काट लिया, अगर समय पर आप इलाज नहीं करवाएंगे तो दोस्तों जान जा सकती है। तो आप देख सकते हैं इसके पीछे साइड में कैसा इसका रंग बना हुआ है, किस प्रकार से इसका धजा है। और दोस्तों पीछे जो आप देख रहे हैं ये हाईवे रोड है, गोरखपुर लखनऊ का हाईवे रोड है ये। अच्छा दवाइया नहीं ले, हम ही पकड़ ले ना। और दोस्तों फाइनली अब इसको हम पैक कर देते हैं बिना समय गंवाए, और चलिए चलिए दोस्तों फाइनली अब इसको हम पैक कर देते हैं बिना समय गंवाए। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर काफ़ी मात्रा में सब लोग आए हैं सांप को देखने के लिए, काफ़ी अच्छे हैं दोस्तों यहाँ के लोग। चलिए पैक कर दीजिए उसको अब बिना समय गंवाए। और जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं फाइनली इस सांप को पैक कर दिया गया है सुरक्षित। चलो पानी सो कर दो, पानी सो कर दो, साफ हो जाएगा वो। और चलिए दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर किसी जंतुओं को बचाते हुए, तब तक के लिए आप सब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।